अक्षय, तमिलनाडु में 102, ये हैरानी वाली ये जो फिगर्स हैं ये बहुत ही हैरान करने वाले हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 102 केसेस नए सामने आए हैं, जिसमें 100 केसेस सिर्फ मरकज से जुड़े जो लोग हैं उनसे सामने आए हैं। श्वेता, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि तमिलनाडु में 411 केसेस है जो है कोविड-19 पॉजिटिव का, उनमें से 364 केसेस सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कॉन्ग्रीगेशन से जो लोग आए हैं उनके वजह से हैं। और अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट पूरे कंटेनमेंट प्लान शुरू कर दिया है, जैसे कि हर एक पॉजिटिव केस जो है उनके घर से 5 किलोमीटर रेडियस में हर एक घर हर एक व्यक्ति को उन लोग टेस्ट कर हैं। और अभी हमें यह बोला गया है कि बहुत ही डरने के मामला हो गया है, क्योंकि पहले 72 आवर्स के पहले तमिलनाडु में अगर आप देखे हैं तो यहां के नंबर्स बहुत कम था, पर अभी ये 72 आवर्स में जैसे भी हम स्पाइक देख लिया है, पहले दिन हुआ था 110 केसेस, उसके बाद 75 और कल हुआ 100 केसेस, तो ऐसे ही केसेस बढ़ रहा है, उसमें डर है कि और ज्यादा लोग को भी ऐसे कोविड पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो भी लोग दिल्ली से आए हैं वो कितने लोग से मिले हैं, कितने लोग से बात किया है या टच किया है, वो सारी चीजें अभी देखना पड़ेगा। और इससे चेन्नई में भी केसेस बढ़ने के ज्यादा चांसेस है और इसमें बहुत ही डर है। और अभी यहाँ के जो स्टेट मिशनरीज है वो बोल रहे हैं कि हर एक जन उनके कर्तव्यता ये है कि अगर कोई भी सिम्टम हो तो तुरंत गवर्नमेंट को कॉल करे या गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी हॉस्पिटल है या कोई डॉक्टर्स है उनको अप्रोच करिए और टेस्ट करवा दीजिएगा, क्योंकि अभी तमिलनाडु निश्चित तौर पर जमात के लोगों ने जिस तरह से परेशानी सरकार की सबकी पूरे देश की बढ़ा दी है, अपने आप में शर्मसार करने वाला है। आंध्र प्रदेश में भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में कल सामने आए थे टोटल 12 मामले और ये सभी मरकज कनेक्शन इनका सामने आया है। आशीष पांडे, आशीष हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। आशीष, यहां पर क्या तस्वीर निकलकर सामने आई है, क्योंकि अमूमन पूरे देश में जहां जहां ये लोग गए हैं और जो नए केसेस सामने आए हैं इनकी तादाद सबसे ज्यादा। यस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो हम अगर हम दोनों राज्यों, दोनों तेलुगु राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करो, तो जहां आंध्र प्रदेश में पूरा मामला, पूरा नंबर पॉजिटिव 19 केसेस का 164 है, वहीं तेलंगाना में ये आंकड़ा 229 का है। तेलंगाना में अगर हम मरकज से जुड़े नंबर्स की बात करें, इन 229 में से 190 केसेस ऐसे हैं जिनका सीधा या परोक्ष संबंध मरकज जाने वाले व्यक्तियों से है, तो जाहिर तौर पे आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। 229 केसेस में से 190 केसेस सिर्फ सीधे सीधे तौर पर मरकज से जुड़े हुए। वहीं आंध्र प्रदेश में भी 164 में से अगर हम बात करें तो कम से कम 120 ऐसे मामले हैं जिनका संबंध मरकज जाने वाले व्यक्तियों से है। आंध्र प्रदेश से 1085 लोगों ने मरकज में भाग लिया था, वहीं तेलंगाना से 1030 लोगों ने मरकज में भाग लिया था। अब दोनों राज्यों की सरकारें संपर्क जो इनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया है उसको पूरा करने में लगी हैं। आज तेलंगाना में उम्मीद है कि 500 के करीब मरकज से आए हुए लोगों का टेस्ट का रिजल्ट आने की उम्मीद है।